नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। जानकारी के अनुसार मोहल्ला नई बस्ती नदी पार कटरा निवासी सोनू श्रीवास पुत्र हीरालाल श्रीवास ने मऊरानीपुर कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मोहल्ले में ही अलावा मैदान के पास घर में खुली जनरल स्टोर की दुकान से आज रात्रि में अज्ञात चोरों ने दुकान में रखे सामान एवं गुल्लक में रखे 45,000 नकद रुपए चोरी करके ले गए। घटना की सूचना 112 पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पीड़ित ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? हीरालाल। क्या घटना हो गई? चोरी हो गई। चोरी हो? क्या क्या चला गया है? 45,000 रुपए नकद चले। अच्छा, 22 से 25 किलो के बीच में माल चला गया। 22 से 25 किलो? क्या 22 से 25 किलो के बीच में माल चला गया? अच्छा, माल चला गया। हाँ, तो पुलिस से शिकायत की? हाँ, सब की। तो पुलिस क्या कह रही? पुलिस देख दाख के चली गई सब। अच्छा, मौका मुआयना करके चली गई। भैया, क्या नाम है आपका? सोनू श्रीवास। आप किस मोहल्ले से हैं? नदी पार कर रहा नई बस्ती अला मैदान के पास। क्या हो गया आपके साथ, क्या घटना घटी? हमारे यहाँ सर चोरी हो गई है। कब हो गई चोरी? रात के 2 बजे के करीब, 1:30 बजे। आज रात में? आज रात। अच्छा, क्या क्या चला गया सामान? हमारे 45,000 रुपये नगद और 25 किलो हमारे बाल। अच्छा। जो लेडीज के सिर के बाल होते हैं ना। अच्छा। फेरी लगाते हैं हम। अच्छा अच्छा, फेरी लगाते हैं जी। तो क्या दुकान है, क्या है आप? जी, जनरल स्टोर की दुकान खोले हैं। अच्छा, तो जनरल स्टोर की दुकान से चोरी हुई? हाँ, इसी दुकान से चोरी हुई। ये दुकान किस जगह पे की हो आप? ये है नई बस्ती नदी पार कटरा अला मैदान के पास। पुलिस से शिकायत की है? जी, 112 पे फोन लगाया था, वो भी आए थे। अच्छा, पुलिस ने मौका मुआयना किया है? जी।